मैं हूँ श्वेता शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, जब कॉर्नर के प्लॉट पर घर बना होता है तो उसकी खूबसूरती और भी डबल हो जाती है। जैसे कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉर्नर पे बना हुआ बहुत ही शानदार लग्जीरियस विला, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रहने वाला है। साइज इसका रहेगा दोस्तों 188 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 34x50 के डायमेंशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर विला होने की वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसके हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पार्किंग आपको बहुत ही प्यारी पार्किंग यहाँ मिल जाती है, 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग आराम से मिल जाती है। साथ ही इस विला में आप देखिए कॉर्नर में भी आपको एलिवेशन में बहुत ही खूबसूरत वर्क दिया है, बिल्कुल भी क्रॉस कटिंग नहीं की गई है। तो कॉर्नर से भी ये घर उतना ही प्यारा लगता है जितना कि फ्रंट से लगने वाला है। साथ ही में इसके साइड में आपको यहाँ पर गार्डनिंग एरिया भी दिया है, तो आपके घर के बाहर ग्रीनरी भी प्रॉपर बनकरार रहेगी। तो यहाँ से हमारे विला का फ्रंट आ जाता है, फ्रंट में भी आपको काफ़ी स्पेशियस बर्म एरिया मिल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, 34 का इसका वाइड फ्रंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ्रंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में टेक्सचर वर्क किया है, वुडन वर्क किया है, आयरन वर्क आपको मिल जाएगा। साथ ही इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी बहुत ही प्राइम रहेगी, जयपुर के वैशाली नगर वेस्ट में भूरा पटेल मार्ग पर शेल्बी हॉस्पिटल से जस्ट अपोजिट आपको ये विला मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे विला की एंट्रेंस आ जाती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आयरन हैवी डोर, जो कि काफ़ी वाइड रहेगा। और यहाँ से आप एंटर करते देखिए काफ़ी स्पेशियस पोर्च एरिया मिल जाएगा, ईजिली 2 कार की पार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। सीलिंग में भी बहुत ही प्यारा आपको डिज़ाइन दिया गया है, वुडन वर्क दिया है। साथ ही में यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेशियस गैलरी दी गई है, इस तरीके से आप इसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। तो ये हमारा स्पेशियस पोर्च एरिया हो जाएगा और ये हमारे विला की मेन एंट्रेंस हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत वर्क किया है, यहाँ पर वुडन वर्क किया गया है। साथ ही में शू रैक के लिए फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है और यहाँ मिल जाती है काफ़ी वाइड विंडो, जिसमें ग्लास और आयरन का वर्क रहेगा। तो यहाँ से हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। तो इसका एंट्री डोर आप देख सकते हैं फुल हैवी वुडन डोर रहेगा, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ और प्रीमियम हैंडल्स के साथ में। और यहाँ से एंटर करते ही आपको मिल जाता है काफ़ी स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर आप स्पेस बहुत ही शानदार किया गया है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत प्यारा रहेगा। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करूँ तो 22x15 के डायमेंशन में हो जाता है ये पूरा स्पेस। इसमें आपको मिल जाएगा 7 to 8 सीटर सोफ़ा प्लेस किया है। साइड में यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और बैक साइड में आप देखिए ब्लॉक्स के डिज़ाइन में वुडन वर्क दिया है, AC आपको इसमें लगा कर दिया जा रहा है। साथ ही में लिविंग स्पेस के बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि मस्ट होता है हमारे लिविंग स्पेस में। तो 4x5 के डायमेंशन में ये रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर वॉश बेसिन एरिया आ जाएगा, यहाँ पर हो जाती है आपकी सीट। और फिटिंग्स की बात करेंगे तो जैगुआर की ब्रांडेड फिटिंग्स हो जाती हैं। साथ ही में इस विला में दोस्तों आपको मिल जाते हैं 4 बेडरूम्स प्लस आपको मिल जाता है एक होम थिएटर। तो यहाँ पर आप देखिए LED पैनल आपको मिल रहा है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ में। यहाँ पर इस तरीके से फ्लावरी डिज़ाइन दिया है, जो कि बहुत ही वाइड रहेगा। और यहाँ से हम आगे चलते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा पूजा स्पेस। तो ये देखिए वास्तु के अकॉर्डिंग इस घर को बनाया है। साथ ही दोस्तों, ये विला ईस्ट फेसिंग रहेगा, तो यहाँ पर आपको मंदिर स्पेस मिल रहा है प्रॉपर स्टोरेज के साथ में। और यहाँ पर आ जाता है हमारा ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया भी आप देखिए काफ़ी स्पेशियस है, डाइनिंग टेबल के जस्ट ऊपर लैंप्स आपको मिल रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डबल सीलिंग हाइट का वर्क मिल जाता है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिल जाएगा।
साथ ही में आपके डाइनिंग टेबल के जस्ट पास में मिरर वर्क दिया है और वुडन वर्क दिया है इस स्पेस को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए। स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है यहाँ पर हमने आपको दे दिया है वॉश बेसन एरिया, यहाँ हमने आपको एक छोटा सा स्टोरेज भी दिया है, तो ये हो जाता है बहुत ही शानदार स्पेस। यहाँ पर आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन, तो किचन बहुत ही बड़ी रहने वाली है दोस्तों और इसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका एंट्रेंस आप देखिए, एंट्रेंस पर बहुत ही प्यारा यहाँ पे वुडन वर्क आपको दिया है और ये हो जाती है हमारी स्पेशियस किचन। 12x14 के डायमेंशन में रहेगी किचन, आप देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आराम से काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है, स्टोरेज प्रॉपर दिया है। यहाँ पर आपका बर्नर आ जाता है, इसके जस्ट ऊपर आपको सेंसर चिमनी मिल जाएगी, साथ ही में वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको एक विंडो मिल रही है तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपके किचन में बना रहेगा। यहाँ भी एक विंडो मिल जाती है तो क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। स्टोरेज आप देख सकते हैं, बहुत ही सारे स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, सॉफ्ट क्लोजर के साथ में ड्रॉर्स रहेंगे। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव और ओवन की फैसिलिटी भी मिल जाती है, साथ ही में आपको मिल जाते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट। यहाँ पर वाइट फ्रिज आपको मिल जाएगा डबल डोर के साथ में और यहाँ पर आ जाता है हमारा वेट एरिया, डबल सिंक आपको मिल जाएगा, गीजर भी आपको इस किचन के अंदर मिल जाता है। तो ये हो जाती है हमारी ऑल इन वन किचन। सीलिंग में भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन इस किचन में दिया गया है, तो ये हो जाती है हमारी ब्यूटीफुल मॉड्यूलर किचन। अभी चलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। दोस्तों इस घर में आपको कोई भी बेडरूम का साइज छोटा नहीं नजर आएगा क्योंकि हर रूम को प्रॉपर साइज में बनाया गया है, काफ़ी वाइड रहेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बेडरूम है काफ़ी स्पेशियस है, बिल्कुल मास्टर बेडरूम रहेगा। इसका वर्क आप देखिए, बेड के जस्ट पीछे का जो वर्क है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिया गया है, दोनों साइड में मिरर वर्क दिया है और सीलिंग में आप देख सकते हैं कंसील लैंप के साथ में वर्क मिल जाता है। बेड के जस्ट सामने आ जाता है हमारा LED स्पेस प्रॉपर स्टोरेज के साथ और यहाँ पर आ जाती है हमारी वार्डरोब्स। दो वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल रही है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में और इसी के जस्ट पास में आ जाएगा हमारा लुकिंग मिरर जो कि वॉल माउंटेड हो जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है गैलरी जिससे कि आपके रूम में वेंटिलेशन भी अच्छा बना रहेगा और वॉशिंग एरिया भी आप इस स्पेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पर आपका जो वेट एरिया है सेपरेट हो जाएगा टफन ग्लास के पार्टीशन के साथ, यहाँ पर आपकी सीट हो जाती है और ये रहेगा हमारा वॉश बेसन एरिया। तो ये हमारा अटैच वॉशरूम हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो इस विला का प्राइस रहेगा 2,70,00,000। इस प्राइस में एज इट इज़ आपको ये विला मिलने वाला है, फुल फर्निश सब कुछ इसमें इंक्लूड करके दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ हमें मिल जाते हैं 3 बेडरूम्स। तो यहाँ से आ जाती है हमारी स्टेयर्स। स्टेयर्स पर आप देखिए वुडन रेलिंग का वर्क दिया है, साथ ही में आपको यहाँ पर आयरन वर्क और टफन ग्लास का वर्क भी मिल जाता है और यहाँ से जो साइड वॉल है इस पर फुल वॉल पे टेक्सचर वर्क किया है, साथ ही बहुत ही प्यारा डिज़ाइन इसमें दिया है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आप देखिए काफ़ी स्पेशियस लिविंग स्पेस आपको मिल रहा है। 2 रॉयल चेयर यहाँ पर प्लेस किए और कॉर्नर विला होने की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर मिल रही है एक बहुत ही शानदार बालकनी, तो साइड में भी आपको काफ़ी स्पेशियस बालकनी यहाँ मिल रही है। इस तरीके से स्पेस बहुत ही अच्छा रहेगा, यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट आपको करके दिया है। फ्लोरिंग इसकी वुडन टेक्सचर टाइल्स की रहेगी और काफ़ी स्पेशियस रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बालकनी आपको मिल रही है, साइड वॉल पे यहाँ देखिए आपको वुडन वर्क के साथ में प्रोफाइल लाइट का वर्क दिया है, तो साइड से भी आपका जो विला है खूबसूरत ही लगने वाला है। इसका एक एक्सेस आपको दूसरे बेडरूम से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस, इसका वर्क और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, साइड वॉल पर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिया गया है, ब्यूटिफुल लैम्प आपको मिल जाता है और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं 3 बेडरूम। साथ ही में यहाँ हमको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉश बेसन एरिया और ये रहेगा कॉमन वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आप देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉश बेसन एरिया, ये हो जाएगी आपकी सीट और यहाँ पर आपको रेनफॉल शावर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो ये रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम और साथ ही आपको यहाँ मिल रहे हैं 3 बेडरूम। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड बेडरूम।
ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। आप देखिए काफ़ी स्पेशियस है, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था 14x17 के डायमेंशन में रहेगा। इसमें भी बिल्कुल डिफरेंट वर्क किया है बाकी बेडरूम से। बेड के जस्ट पीछे आपको बहुत ही प्यारा इस तरीके से फ्रेमिंग वर्क मिल जाता है, बहुत ही प्यारा वर्क रहेगा ब्यूटीफुल लैंप्स के साथ में। और इसका जो सीलिंग डिज़ाइन है इसमें भी काफ़ी डिफरेंट वर्क दिया है ब्लॉक्स के डिज़ाइन में। सामने आ जाता है LED पैनल, इसमें आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क दिया है जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आ जाती है हमारी वार्डरोब्स, दो वार्डरोब आपको यहाँ मिल जाती है और यहाँ पर आ जाएगा वाइड लुकिंग मिरर, तो यह आपका ड्रेसिंग स्पेस हो जाता है। साथ ही में आपको आपके बालकनी के लिए एक एक्सेस यहाँ से भी मिल जाता है, तो इससे आपके रूम में भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन बना रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस रहेगा। ये हो जाता है 8x6 के डायमेंशन में। वेट एरिया सेपरेट हो जाएगा टफन ग्लास के पार्टीशन के साथ। इसमें भी आपको रेनफॉल शावर मिल जाता है, गीजर की फैसिलिटी मिल जाती है, तो सब कुछ आपको इस घर में लगा कर दिया जा रहा है। इस घर में आने के बाद आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। AC भी आपको इसमें लगा कर दिया जा रहा है। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम हो जाता है। अभी हम देख लेते हैं हमारा थर्ड बेडरूम। तो दोस्तों ये हो जाता है थर्ड बेडरूम जो कि काफ़ी प्यारा है, आप इसे किड्स बेडरूम भी बना सकते हैं। 13x13 के डायमेंशन में रहेगा। इसके भी बेड के बैक साइड पर बहुत ही प्यारा वर्क दिया है, आप देख सकते हैं वॉलपेपर का वर्क रहेगा, वुडन और ग्लास वर्क रहेगा। सीलिंग में डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिल जाता है और ये जो ब्यूटीफुल छोटे छोटे लैम्प्स हैं वो इस रूम की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। सामने आ जाता है LED पैनल जिसके अंदर ग्लास वर्क और वुडन वर्क दिया है प्रॉपर स्टोरेज के साथ में। और यहाँ पर भी आपको दो वार्डरोब्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्रेसिंग स्पेस, वॉल माउंटेड रहेगा वाइड लुकिंग मिरर के साथ। और यहाँ से आ जाती है आपकी फ्रंट बालकनी जिसका एक एक्सेस आपको इस रूम से मिल रहा है। तो ये रहेगी हमारी फ्रंट बालकनी जो कि काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेस बहुत ही शानदार रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर पॉट भी लगाए हैं, आयरन रेलिंग का वर्क आपको मिल जाता है, ग्लास वर्क आपको मिल जाता है। साइड की जो वॉल है इस पर आप देखेंगे वुडन वर्क किया है और टेक्सचर वर्क भी इसमें रहेगा। तो दूसरी एक्सेस आपको इसके फोर्थ बेडरूम से भी मिल जाती है। तो चलिए हम इसके फोर्थ बेडरूम में चलते हैं। यहाँ से यह आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस रहेगा। 13x14 के डायमेंशन में हो जाता है। तो इसका भी आप देखिए बाकी सारे रूम से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट रहेगा। कुशन वर्क किया है, वुडन वर्क है, ब्यूटीफुल लैंप्स लगाए हैं और बेड के जस्ट सामने रहेगा LED पैनल, बहुत ही प्यारा स्ट्रिप्स का वर्क रहेगा। नीचे प्रॉपर स्टोरेज आ जाता है और इसी के बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग और अटैच वॉशरूम। तो एंटर करते ही आपको मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया दो वार्डरोब के साथ और यहाँ पर आ जाता है हमारा वाइड लुकिंग मिरर। ये हो जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस है 6x7 के डायमेंशन में। गीजर आपको इसमें लगा कर दिया जा रहा है, ये हो जाएगा वॉश बेसिन एरिया और रेनफॉल शावर आपको इसके अंदर भी मिल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा अटैच वॉशरूम और ये रहेगा हमारा फोर्थ बेडरूम। तो अभी चलते हैं हमारे रूफ टॉप एरिया की तरफ जहाँ पर हमें मिल जाता है एक बिग साइज होम थिएटर और एक रूफ टॉप गार्डन भी। तो यहाँ से आ जाती है हमारे स्टेयर्स। यहाँ से आपको डबल सीलिंग हाइट का वर्क मिल जाता है, सीधा आपका डाइनिंग स्पेस यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ आ जाता है हमारा रूफ टॉप एरिया जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर आपको एक प्यारा सा स्विंग भी मिल जाता है और ब्यूटीफुल सेटिंग अरेंजमेंट किया है आर्टिफिशियल ग्रास के साथ में। तो यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ कर चिल भी कर सकते हैं और व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, नाइट व्यू कितना अच्छा आपको मिल रहा है। आप अपनी फैमिली गैदरिंग्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका और आपकी फैमिली का एंटरटेनमेंट का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने आपको दिया है एक होम थिएटर। तो ये आ जाता है हमारा स्पेशियस होम थिएटर, बहुत ही अच्छा स्पेस इसमें है, आप देखिए इतना सारा स्पेस है कि आप और भी सोफा यहाँ पर रिक्लाइनर्स जो भी आप चाहें यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बिग स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं प्रोजेक्टर से लेके स्पीकर तक। कुशन वर्क इसमें किया गया है, साथ ही इस तरीके से कुछ स्ट्रिप्स वर्क भी दिया है।
एसी भी आपको इसमें लगा कर दिया जा रहा है, और इसी के साथ साथ जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे चिल करना चाहेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है एक पेंट्री और बार एरिया, तो यहाँ से आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, जो कि बहुत ही मस्ट है। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो काफ़ी स्पेशियस है, टाइल वर्क बहुत ही प्यारा किया है। यहाँ पर आ जाता है वॉश बेसिन एरिया, और रेनफॉल शावर आपको इसमें भी दिया है, गीजर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो ये हो जाता है हमारा बिग साइज होम थिएटर। तो आई होप दोस्तों आपको ये विला पसंद आया हो, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।